हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। देखो कृष्णा, मुझे कोई खेल नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ अवश्य रोक लूंगा। मैं कहता था ना कि मनसुखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसुखा को। नहीं नहीं, मनसुखा को क्यों, वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला लल्ला, भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या क्या कहा, नदी में कूदोगे? क्या क्या आत्महत्या करने की सोच ली है क्या? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालिया देह है, कालिया देह, इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं, देखते रहो मैं क्या करता हूँ। नहीं 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 नाना,
अरे मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ, गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जानी तू अभी तक कैसे बच गया, जा वापिस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम? मैं? हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। मुझे तो मैया कहता है पगले, तू कितना भोला है, एक गेंद के पीछे क्यों अपने प्राण गंवाने चला आया? देख, ये सर्पों के राजा कालिया का दह है, यहाँ आने पर कोई प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तेरा भाग्य अच्छा है, नागराज सो रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से भाग जा। यहाँ तक आ गया हूँ तो नागराज से मिले बिना कैसे चला जाऊं? बालक क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? इतनी कोमल, इतनी सुंदर देह पल भर में भस्म हो जाएगी। अरे पगले, ये बाल हट करने का समय नहीं, चल मैं तुझे बाहर छोड़कर आती हूँ। मुझ पर दया ना करो नागरानी, अपने पति पर दया करो, उसने हमारे वृंदावन को अपने विष से दूषित कर रखा है, उसने हमारी यमुना जी को विषैला कर दिया है। आज मैं उसे यहाँ से निकालने आया हूँ। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? जीवित यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानते हैं स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है, कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है, वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारे ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब किस समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं? उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है, उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है, और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है, हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर
तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे चरण आपके शीश पर हैं, इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहि माम, त्राहि माम। हे देवता, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर, कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। परंतु स्वामी, वहां मुझे आपका वाहन गरुड़ जीता नहीं छोड़ेगा। भगवान, पहले मैं उसी रमणीक द्वीप पर अपनी प्रजा के साथ रहता था। तब एक बार जब गरुड़ जी मेरे प्राण लेने मुझ पर झपटे, तो उनके भय से मैं अपनी पत्नियों सहित यमुना के रास्ते इस कुंड में आकर छुप गया। आप तो जानते हैं कि सौरभ मुनि के श्राप के कारण
गरुड़ जी इस यमुना के कुंड में नहीं आ सकते, इसलिए अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गया हूँ। नहीं नागराज, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम्हारे फनों पर हमारी चरण धूली देखकर गरुड़ तुम्हें मारने की जगह इस चरण धूली को नमस्कार करेंगे। जाओ मैया, अब रमणक द्वीप पर अपने पति के साथ निर्भय होकर विहार करो। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो। बाबा तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया।
चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। क्या लोगों ने उसे कालिया नाग के फन पर नाचते हुए देखा है? जी महाराज। हाँ, अपनी अपनी आंखों से? जी। अवश्य अवश्य उनकी आंखों पर किसी माया ने पर्दा डाल दिया होगा, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया होगा। हाँ, जिससे जो असंभव है वही उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हमारे गुप्तचरों की सूचना अनुसार ये सारा दृश्य गांव वालों ने दिन के प्रकाश में देखा है। हाँ? उनकी सूचना अनुसार अब तो वो खुले बंदों इसकी चर्चा भी करते हैं। और रही असंभव की बात, तो तनिक सोचिए महाराज, आज तक उस बालक ने जो कुछ भी किया है वो सारे कार्य असंभव ही थे जिन्हें कोई साधारण मानव नहीं कर सकता था। बच्चे का पूतना को मारना असंभव था या नहीं? आपके राजपुरोहित श्रीधर की तांत्रिक कृत्या उसके सामने जाकर भस्म हो गई। बकासुर, तृणाव्रत, कागासुर और अघासुर जैसे महादैत्य बारी बारी से उसके सामने गए, परंतु एक भी जीवित लौट कर नहीं आया। सोचिए सोचिए कौन सा ऐसा संभव कार्य है जो उसने नहीं किया। इसलिए इसलिए अब हमें यह मानकर ही आगे चलना है कि हमारा सामना किसी साधारण मानव से नहीं, परन किसी शक्तिशाली देवता से है। किसी देवता से नहीं, बल्कि बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से है। हाँ चाणूड़, तुम्हें याद है हमने पहले भी कहा था कि स्वयं भगवान विष्णु ही छल से इस कृष्ण का रूप धरकर पृथ्वी पर आया है। हो सकता है ये स्वयं विष्णु ही है? हो सकता नहीं, अवश्य है। हाँ चाणूड़, ये वही है। जो भी है, अब हमें ये सोचना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अब ये सोचिए महाराज कि हमें क्या करना चाहिए। चाणूड़, जब कोई योद्धा रणभूमि में एक बार प्रवेश कर लेता है तो उसके सामने एक ही काम रह जाता है, युद्ध करना। रणभूमि में प्रवेश करने के बाद जो ये सोचता है कि शत्रु कहीं अधिक शक्तिशाली तो नहीं, तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता है और वो युद्ध में कभी नहीं जीत सकता। इसलिए इसलिए हमारे पास अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा, चाहे वो विष्णु हो या महादेव।
हमें उससे सीधी टक्कर लेनी ही होगी, अर्थात हमें स्वयं गोकुल पर चढ़ाई करनी होगी। हम स्वयं सेना लेकर जाएंगे और सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे, सारे इलाके को घेर कर ऐसी आग लगा देंगे कि जिसमें गोकुल का एक एक घर, एक एक प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं महाराज, ये इतना सहज नहीं है। क्यों क्यों नहीं हा? आप जनता की शक्ति को नहीं जानते। यदि सारी जनता एक तरफ हो जाए तो जनता की उस सामूहिक शक्ति के सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। और आज वहां की जनता का यह हाल है कि कालियानाग की घटना के बाद वहां के लोग खुले बंदों यह कहने लगे हैं कि गोकुल में भगवान का अवतार हुआ है। और जब बात भगवान की आ जाती है तो सारी जनता एक हो जाती है। जिसे लोग भगवान मानने लगते हैं उस पर यदि खुले बंदों आक्रमण किया जाए तो उसे जनता कभी नहीं सहन कर सकती। फिर क्या किया जाए? वही सोच रहा हूं कि जनता में कैसे फूट डाली जाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग ढूंढने होंगे जो कृष्ण को एक छलिया और कपटी सिद्ध कर सके। नहीं चाणू, ये गोकुल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग केवल नगरों में मिलते हैं। गांव के मूर्ख लोग बड़े सीधे साधे और सच्चे प्राणी होते हैं। उनका विश्वास बड़ा दृढ़ होता है। ये भी सत्य है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि कई गांव वाले यशोदा और नंद की भी पूजा करने लगे क्योंकि भगवान ने उनके घर में जन्म लिया है। क्या विडंबना है, अभी तक ये बात भी निश्चित नहीं हुई कि कृष्ण नंद और यशोदा का पुत्र है या देवकी की संतान। आकाशवाणी ने मुझे देवकी की आठवीं संतान से सावधान किया था। सो यदि कृष्ण देवकी का पुत्र नहीं तो फिर वो एक साधारण मानव है। इसका भी निर्णय कर ही लेते हैं। कैसे? यदि देवकी और वसुदेव की मृत्यु हो जाए तो पुत्र होने के कारण माता पिता की अंत्येष्टि और श्राद्ध कराने के लिए उसे किसी न किसी बहाने मथुरा अवश्य लाया जाएगा। क्यों? हाँ, अवश्य लाया जाएगा। बस एक तो इस सत्य का पता चल ही जाएगा कि वो देवकी का पुत्र है कि नहीं, और दूसरे मथुरा में आए हुए कृष्ण का संहार करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका हाथी कवल्या पीड़ ही उसे राह चलते कुचल सकता है। सुंदर, अति सुंदर। परंतु क्या? परंतु ये देवकी और वसुदेव की मृत्यु कब होगी? आज ही रात को। आज ही रात को? हाँ महाराज, शुभ काम में देरी क्यों, आज ही रात को। अर्धरात्रि को मैं आपके साथ कारावास में चलूंगा। नहीं, मैं आपसे पहले ही वहां पहुंचकर ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि कोई इस घटना का साक्षी ना रहे। सब पहरेदारों को मदिरा के नशे में चूर किया गया है, अब यहां कोई नहीं आएगा। जाइए।
जरूर। नाग नाग कहाँ है महाराज? चलिए महाराज। निकाल रहे हो? उठो बेटा, उठो, उठो दाऊ। नंदलाल जी, मुझे तो भय लग रहा है, कहीं बलराम पर किसी नाग के भूत की छाया तो नहीं पड़ गई? इन पर किसी नाग का भूत क्या चढ़ेगा बड़ी मैया? दाऊ भैया तो स्वयं ही सब नागों की कला मरोड़ सकते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें क्या हुआ है। जानते हो तो बोलो ना लल्ला, बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हारे दाऊ को? ये सपना देख रहे हैं कालिया नाग का, सो कालिया नाग की आवाजें निकाल रहे हैं। उठो दाऊ भैया, उठो, वो दुष्ट अब चला गया है। अब क्रोध छोड़ो भी, वो दुष्ट अब कुछ नहीं कर सकता। अब आप भी सुरक्षित हैं और मैया बाबा भी सुरक्षित हैं। मैया बाबा? मैया बाबा को क्या हुआ? आप नहीं जानते बाबा, कालियानाथ की घटना के समय से दाऊ भैया को बड़ा डर रहता है कि कहीं आप लोग अपने प्राण न दे बैठे। तब से इन्हें आपकी चिंता रहती है। उठो दाऊ भैया, देखो उठो, सब लोग कितने चिंतित हो गए हैं। उठो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो। कहाँ है दाऊ? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? कैसे हो? कैसे हो पुत्र? वो भाग गया है, भाग गया है, आपके डर से भाग गया है। कन्नू, तू नहीं जानता वो क्या करने वाला था। मैं जानता हूँ दाऊ भैया, मैं सब जानता हूँ। मैंने बड़ी मैया से यही कहा है कि कालियानाग की घटना के समय से आपको मैया बाबा की बड़ी चिंता रहती है। तब से आपको कालियानाग के सपने आते रहते हैं और आप अपने आप को कालिया नाग से भी एक बड़ा नाग समझकर उसी की भांति फुंकारने लग जाते हो। देखिए सब लोग कितने भयभीत हो गए हैं। मेरे सपने से आप लोग भयभीत हो गए हो, मुझे क्षमा कर दो बाबा। मैया, पुत्र बलराम, मेरे पुत्र, दाऊ, दाऊ, दाऊ,
पहले तो मैं घबरा ही गई थी कि कहीं सचमुच में हमारे कक्ष में नाग तो नहीं आ गया। यशोदा, यशोदा, मेरा कलेजा तो अभी तक धक धक कर रहा है। अब शांत हो जाइए भाभी, सब ठीक हो गया है। नहीं नहीं नंदराय जी, नहीं, सब ठीक नहीं हुआ। ये कुछ अच्छी बात तो नहीं कि बालक को रात को भयानक सपने आने लगे। हमें हमें शीघ्र इसका कोई उपाय करना चाहिए, क्यों यशोदा? हाँ दीदी, ठीक कहती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमारे बालकों को लोगों की नजर लग गई है। इनको नजर कैसे लगेगी यशोदा? कन्नू को तो सारे गांव वाले भगवान का अवतार मानने लगे हैं। इन्हीं बातों से तो नजर लगती है। जाने उन्हें मेरी लाल में कौन सा भगवान दिखाई देता है। पहले तो सब चोर कहती थी, मक्की फोड़ कहती थी। मुझे क्रोध तो आता था मगर अच्छा भी लगता था। जैसी मैं साधारण हूँ, मेरा लाल कम से कम धरती का साधारण मानव तो लगता था। मगर अब कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अवतार कहता है, तो मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहते हैं। अगर वो उसे भगवान बनाकर आकाश के मंदिर में बिठा देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप उन सबसे कहिए उसे साधारण मानव ही रहने दें। अगर वो आकाश तक चला गया तो मैं उस तक कैसे पहुंचूंगी? क्या करूंगी मैं? तू चिंता ना कर मैया, मैं आकाश में नहीं जाऊंगा। मैं इसी धरती पर तेरा कन्नू बनकर दाऊ भैया के साथ तेरे आंचल की छाया में खेलता रहूंगा। आकाश में हमें माँ का आंचल कहाँ मिलेगा, है ना कन्नू? हाँ दाऊ भैया, वहां से किसी को भेजना पड़ेगा कि गांव वालों की बुद्धि ठीक कर दे। हे देवी माता, सबकी मति ठीक कर दे। जो आज्ञा प्रभु। नहीं, भ्रमित कर दे। जो आज्ञा प्रभु। हाँ छोटी मैया और बड़ी मैया दोनों को भ्रमित कर दे, जिससे उनके सारे भय दूर हो जाएं। नहीं, ऐसे भय दूर नहीं होंगे। प्रातः ही गुरुदेव के पास जाकर इसका कोई उपाय पूछेंगे। परंतु गुरुदेव तो लंबी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। आश्रम में और भी तो महात्मा होंगे, कोई तो उपाय बताएंगे। उपाय तो बहुत हैं, परंतु हमारे विचार में यदि दोनों बालकों का तुला दान किया जाए तो सब प्रकार की ग्रह शांति हो जाएगी। Hare Krishna